हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ मिंता मिंता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड फिश करी। फ्राइड फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम फिश को अच्छे से साफ कर लेंगे 2-3 बार पानी से। उसके बाद हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे। हाथ से अच्छे से मिला देंगे मसल मसल कर और इसे 15-20 मिनट के लिए हम रख देंगे मैरिनेट करके। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें अपनी फिशेस को फ्राइड कर लेंगे। अच्छी गोल्डन फ्राइड करनी है। ऐसी फ्राइड करने से आप ऐसे ही खा सकते हैं बिना सब्जी बनाए। बच्चों को तो ऐसे ही पसंद आती हैं। गोल्डन फ्राइड करना है हमें। और एक प्लेट में हम पेपर बिछा करके उसमें रखते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। एक बार आप मेरे तरीके से जरूर बनाना, वीडियो पूरा देखना। अब यहाँ पर हम मसाला लिया है और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक को एक साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। और धनिया पत्ती को बारीक काट करके रख लेंगे। हम प्याज को भी ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को भी हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम कढ़ाई रखेंगे, उसी कढ़ाई में हम बना लेंगे। जो हमारा तेल बचा था उसी तेल में हम सब्जी अपनी बना लेंगे। हम 2 लहसुन की पोथी डाल देंगे, दालचीनी, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, बारीक काट करके प्याज फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम प्याज का अपना जो ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। उसे अच्छे से पका लेंगे। और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल करके 1 कप पानी डाल देंगे और इसे पका लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा उसके बाद हम अपनी जो टमाटर की प्यूरी बना करके रखी थी वो डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे या फिर स्वाद अनुसार नमक और इसे मिला देंगे। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई। अब हम अपनी फिशेस डाल देंगे। और मसाला में मिला देंगे। और 1 गिलास पानी डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने अनुसार बना लें, जितना आपको ग्रेवी बनाना हो उतना पानी डाल दें।
और इसे 5 मिनट तक हम पका लेंगे। उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी मसल करके डाल देंगे और काली मिर्च को कूट करके और इसे भी मिला देंगे। और कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे भी मिला देंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप गर्मा गर्म खाइए।